हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपसे कहा था कि कल आपका चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, तो आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कुछ परिभाषाएं लिखनी है, एक केवल आपको और परिभाषा संयुग्मी फोकस की लिखनी है, और दो फार्मूले, ये चैप्टर खत्म। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है संयुग्मी फोकस। मेरे भाई, सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा। क्या मतलब? देखो यहां लिखा हुआ सा युग्मी, सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा, यानी युग मतलब जोड़ा का मतलब दो बिंदु लेने पड़ेंगे। मान लिया एक ये वाला बिंदु ले लिया, एक ये वाला बिंदु ले लिया, तो कोई भी ऐसे दो बिंदु, कोई भी ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पे वस्तु रखी जाए, दूसरे पे उसका प्रतिबिंब बने। कुछ लोग बोले समझ में नहीं आया वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब, प्रतिबिंब का मतलब गंगा भाषा में कहें तो परछाई होती है। ठीक, मान लिया हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मेरी परछाई यानी छाया कहाँ बन रही है? वहाँ पे बन रही है। कोई वहाँ पे खड़ा हो तो उसकी परछाई कहाँ बन रही होगी? वहाँ बन रही होगी। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है कि क्या होता, ऐसा इंतजाम, कैसा इंतजाम, ऐसा कि वस्तु सॉरी बिंदु हो कितने, दो, एक बिंदु पे वस्तु रख दीजिए, दूसरे पे उसकी छाया बनती हुई दिखाई दे, तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में कहते हैं संयुग्मी फोकस। क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस, यानी ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, यानी एक बिंदु पे हम खड़े हो गए, मेरी परछाई बन रही दूसरे बिंदु पे, तब इन दोनों बिंदुओं को आपस में कहेंगे संयुग्मी फोकस। ठीक भैया, बार बार बता रहे हैं, सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा, यानी सा युग्मी फोकस। मतलब क्या होता है इसका, संयुग्मी फोकस का, सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा, यानी कुल मिला के जब दो बिंदु साथ साथ हों, एक पे वस्तु रखी हो दूसरे पे उसकी छाया यानी प्रतिबिंब बने, तब इन्हें कहते हैं संयुग्मी फोकस। ये केवल अवतल दर्पण में पॉसिबल होता है, उत्तल दर्पण में नहीं। आपको बताया था दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक अवतल एक उत्तल। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में नहीं। ठीक है, लिखिए फटाफट, लिखिए ऐसे दो बिंदु, ऐसे दो बिंदु, ऐसे दो बिंदु जिनमें, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, दूसरे बिंदु पर बनता है, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। ये लिखा हुआ संयुग्मी फोकस, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं, 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 एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। देखिए, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। संयुग्मी, अच्छा पूछा जा सकता है कि संयुग्मी फोकस कौन से दर्पण में संभव होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। अगर नहीं लिख पाए तो फिर बोल दे रहे हैं, ऐसे दो बिंदु, कैसे दो बिंदु, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस केवल कायम है, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका संयुग्मी फोकस। अब आपको बनाते हैं हम एक चित्र, बनाते जाएंगे साथ में हेडिंग लिखवाते रहेंगे, और ये चैप्टर आपका लगभग खत्म होने वाला है अभी 10 मिनट के अंदर। हेडिंग डालिए दर्पण से संबंधित परिभाषाएं,
दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बिल्कुल सरल है, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नंबर एक हेडिंग डालिए, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, नंबर एक हेडिंग दर्पण का ध्रुव। क्या होता है दर्पण का ध्रुव, जरा सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बात। भैया इधर देखो, कोई भी दर्पण हो, जैसे ये देखो ये दर्पण था, अगर हम इस पे इधर से पॉलिश कर देंगे तो ये अवतल दर्पण था, इस पे इधर से पॉलिश कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण था, यही तो था, बिल्कुल सरल है। इस दर्पण का जो बिल्कुल बीचो बीच वाला भाग होगा, देखो ये, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में कहते हैं ध्रुव और लिखते हैं मेरे भाई पी से, ठीक है। तो क्या बताओगे आप, किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी बीच वाला भाग, ये देखो पूरा दर्पण है, इसका बीच वाला भाग यहाँ पे है, तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो लिखिए भाई, दर्पण का ध्रुव लिखिए, किसी गोलीय दर्पण, चित्र इकट्ठा बनाएंगे पूरा, अभी मत बनाइए, खाली हेडिंग डालिए दर्पण का ध्रुव और लिखिए, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, चलो भाई चैप्टर खत्म हो रहा है अभी, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, अरे किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है भाई। नंबर दो हेडिंग डालिए, नंबर दो हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र। नंबर दो हेडिंग वक्रता केंद्र, बिल्कुल सरल है। सब लोग इधर देखो, भैया ये हम लोग दर्पण कैसे बनाया था, पहले ये पूरा गोला लिया था, फिर इसे काट डाला था, तभी तो ये दर्पण बना था। तो भैया जब पूरा गोला होएगा तो गोले का कोई केंद्र भी होगा, ये देखो मिला दिया इसमें, गोले का कोई केंद्र भी होगा, केंद्र को ही हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? यानी क्या, कैसे कहोगे आप बताओ, कि दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सीधी सी बात है, लिखिए वक्रता केंद्र, लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। काय से लिखते हैं? सी से लिखते हैं, ठीक। फिर हेडिंग डालिए वक्रता त्रिज्या, चले रहो फटाफट, अभी खत्म हो रहा है। वक्रता त्रिज्या, बौरे से बौरे बच्चे को पता होगा, केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो भैया ये केंद्र है, यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, तो लिखेंगे काहे से? आर से, ठीक है। जब सारी परिभाषाएं लिख जाएंगी तो आप ये चित्र आखिरी में बनाएंगे पूरा। देखो हम बनाते जा रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया? ध्रुव, देखो बीच वाला बिंदु यहां दिखा दिया, फिर इसका केंद्र देखो सी यहां दिखा दिया, केंद्र तक की दूरी त्रिज्या यानी रेडियस तो आर दिखा दी, दूरी यहां तक की बनता जा रहा, आखिरी में आप पूरा बना लेना, ठीक। तो हेडिंग वक्रता त्रिज्या, लिखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, सबको पता होगा, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं,
इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कर दिया भैया, आगे देखते हैं। अगली हेडिंग डालिए फोकस दूरी। हेडिंग फोकस दूरी। फोकस दूरी या फोकस, फोकस बिंदु को कहेंगे और वहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी या फोकस, सब लोग देखो इधर बहुत सरल है। मान लिया हमने आपको बताया था, देखो इधर अगर पॉलिश है तो किरण इधर से पड़ेगी। देखो एक प्रकाश किरण आई, सब लोग देखो आके टकराई, टकराने के बाद ये देखो गई और जहां से जिस बिंदु से जाएगी उसी को हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक है, अभी हम चित्र दोबारा से साफ साफ बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। यानी बहुत सरल है, दर्पण से टकराने के बाद किरण जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस कहते हैं और इसकी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। पहले से लिख लीजिए, फिर ये चित्र दोबारा से बना के आपको समझाते हैं, मजा आ जाएगा। लिखिए पहले ये लिख लीजिए, अभी चित्र मत बनाना, लिखिए। दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस तथा फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तथा फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और हम आपके दिल में लहते हैं। फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और हम आपके दिल में रहते हैं। ठीक है भाई, दिल में रह लिए, बात की बात है। अब देखो इसका चित्र बनाते हैं। अब आप चित्र बनाएं सारी परिभाषाओं के बाद। सबसे पहले बताओ क्या किया, एक दर्पण लिया। सब लोग देखो बड़ा चित्र बना रहे हैं, आराम से दिखेगा। इस पे पॉलिश कर दी। बताओ जो इसका बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे, ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव। दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या कहोगे, ध्रुव। दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या कहोगे, ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। तो काहे से लिखोगे, पी से। काहे से लिखोगे, पी से। ठीक है फिर भैया, जे कभी ना कभी पूरा गोला था, अगर लोग डेली वीडियो देखते तो आपको बताया था, एक कांच का खोखला गोला लिया, गोले को काट डाला, काटने के बाद में यह मिला था। तो एक कांच का खोखला गोला था, उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होएगा। मान लिया वो केंद्र यहां पे है। केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, या आप सेंटर समझ लो यार, कर्वेचर हटाओ। तो सेंटर के लिए हमने काय लिख दिया, सी से। ठीक, फिर भैया एक प्रकाश किरण आएगी, टकरा के जिस बिंदु से जाएगी उस बिंदु को कहेंगे फोकस। उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस। तो जरा देखिए यहां पे एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के जिस बिंदु से गई उसे हम लोगों ने कह दिया फोकस। ठीक, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, एफ से लिखते हैं, और केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर से लिखते हैं। कितना सा चित्र है भाई, ये फोकस है, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है और ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है भाई।